यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है सेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर टेक्नो के फ़ोन में आपका सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हो जाए, उसमें डी ए एरर वेरिफिकेशन एरर का ऑप्शन आता है और आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, तो उसके बाद फिर से वही एरर दोबारा से आ जाता है। आपको उसमें लिखा होता है, उसमें जो नोटिस दिया होता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, उस नोटिस में ये लिखा होता है कि आपका फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो चुका है, मतलब आपके फ़ोन में जो सिस्टम है वो क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से और आप उसको रीसेट कीजिए, हार्ड रीसेट कीजिए। पर हार्ड रीसेट भी वर्क नहीं करता इसमें, ना ही आप किसी और फंक्शंस का यूज़ करके इसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इजीएस्ट मेथड, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली अपने फोन को पूरी तरीके से फ्लैश करना होगा। फ्लैशिंग के लिए आपको सारी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो चलिए पहले अपने सिस्टम पर चलते हैं उसके बाद। ठीक है दोस्तों, हम लोग पीसी पर आ चुके हैं। अब सिंपली आपको दो फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, एक है आपको टेक्नो का फ्लैशिंग टूल जो कि SW2 फ्लैशर टूल है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको उसकी जो फर्मवेयर फाइल है, फ्लैशिंग फाइल है, उसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको पहले अपनी फाइल को लोड कर लेना है, जैसे कि आप देखते हैं मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। लोड करने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिस्टम है जब क्रैश हो जाता है तो आपकी जो एनवी रैम है वो भी ख़राब हो जाती है। मैंने इसको फ्लैश करके देख लिया फ्रेमवेयर से, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर आपको अपग्रेड करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो आपको फॉर्मेट ऑल एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका एनवी डेटा भी डिलीट हो जाएगा। बट मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं हमारी जो फाइल है वो लोड हो रही है। सो गाइज, आपको वॉल्यूम डाउन वाले बटन को प्रेस करके अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। चाहे तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपका फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनिमम 10 मिनट्स का भी टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोडिंग सक्सेसफुली हो गया, हमारा फोन पूरी तरीके से पास हो गया, रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करना है, अपने फोन की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ मेरे फोन में जो एरर था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है यहाँ पर, और हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ इस पर जो हमारा IMEI नंबर है वो नल हो चुका है या फिर गायब हो चुका होगा। चलिए देखते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब सिंपली मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे फ़ोन में जो IMEI है वो शो भी कर रहा है कि नहीं। तो आपको *#06# करना है, तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारी जो IMEI है यहां पे शो ही नहीं कर रही, हमारी IMEI गायब हो चुकी है। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसमें से IMEI बहुत ही ईजीएस्ट मैथड से रिमूव कर सकते हैं, और बहुत ही आसान मैथड है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।